बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रदेश भर में कांग्रेस की प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अंबिकापुर पहुंचे बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने प्रेस वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। दरअसल देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई के विरोध में जन जागरण यात्रा की शुरुआत की है। जन जागरण यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की गलत नीतियों को जनता के बीच पहुंचकर बता रही है। कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे इस विरोध अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर प्रदेश भर के सभी जिलों में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अंबिकापुर के राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्टी का उनके उसका दौरा है, वो जाने उसके बारे में। मैं तो ये कहूँगा कि ये लोग बेसिक जो उद्देश्य है उससे भटकाने का काम करते हैं और धर्म और जाति के विषय पर जो है वो जनता को ले जाते हैं, जबकि वास्तविक चीज़ों पर चर्चा नहीं करते हैं, महंगाई पर चर्चा नहीं करते हैं। मोहन भागवत जी आएंगे, आप उनसे पूछिएगा। यहाँ की जनता से अपील करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को क्या सोच के प्रधानमंत्री बनाए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या सोच के देश की जनता से वोट मांगा था, महंगाई का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ, डीजल पेट्रोल के दाम का क्या हुआ, रसोई गैस क्या मिल रही है, सब्जी भाजी खाद्य तेल किस भाव में मिल रहा है। अगर आदरणीय मोहन भागवत जी इन विषयों पर भी अपनी बात रखेंगे तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे सरगुजा वासियों के।